हेलो दोस्तों मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ आज हमारा इंग्लिश का पहला प्रैक्टिस सेट है क्वेश्चन नंबर वन है ही केम लेट ही केम लेट डिडंट ही गिव अ पॉजिटिव आंसर गिव अ पॉजिटिव आंसर यानी ये क्वेश्चन टैग का है क्वेश्चन टैग में हम जानते हैं जब स्टार्टिंग नेगेटिव से होती है तो इसका जो आंसर देते हैं हम पॉजिटिव देते हैं तो इसमें आंसर क्या होगा इसका येस ही केम यस ही डिड यस ही डिड ही स ही डज तो इसका आंसर होगा यस ही डिड यस ही डिड वी वॉन्ट हेल्प एस विल ही गिव अगेटिव आंसर नो ही वॉन्ट नो ही वुड नो ही वुड नॉट तो हमें पता है ही तो इसका नेगेटिव आंसर क्या होगा नो ही विल नॉट विल नॉट तो ही क्या बोलते हैं वॉन्ट एम आई राइट एम आई राइट तो इसका क्या होगा क्वेश्चन टैग एम नॉट आई एम आई आर आई आर नॉट आई तो हमें पता है यही एक अपवाद होता है एम नॉट का जो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बन जाए वो आर नॉट वन था आर नॉट आई एवरी वन वॉज हैप्पी एवरी वन वॉज हैप्पी इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा नेगेटिव में एवरी वन वॉज हैप्पी का क्वेश्चन टैग क्या होगा नेगेटिव में वर नॉट दे वर नॉट दे नाइदर ऑफ दैम न्यू द आंसर नाइदर ऑफ दैम न्यू द आंसर तो इसका आंसर क्या होगा अब नाइदर ऑफ दैम न्यू द आंसर अपने आप में नेगेटिव है तो इसका आंसर क्या होगा डिड नॉट ही डिडे डिड ही डिड दे तो इसका आंसर क्या होगा डिड दे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर छ है नाइदर ऑफ देम हार्ड वर्किंग नाइदर ऑफ देन आर हार्ड वर्किंग इज हार्ड वर्किंग वर हार्ड वर्किंग हैव बीन हार्ड वर्किंग तो नाइदर ऑफ देम अलग ही दिख रहा है इसमें नाइदर ऑफ देम उनमें से कोई भी हार्ड वर्किंग नहीं कर रहा कर रहा है तो नाइदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग क्या होगा इज हार्ड वर्किंग ईच ऑफ अस गिव अ प्राइज ईच ऑफ अस अब यहाँ पे हर एक की बात चल रही है तो हर एक की बात चल रही है तो किसके लिए होगा है प्राइज अ प्राइज तो हमें पता है के की थर्ड फॉर्म आती है तो गिवन अ प्राइज द टू गर्ल्स लाइक वेरी मच जब भी दो के बीच आपस में तुलना होती है तो क्या लगाते हैं हम दो के बीच जब तुलना होती है तो हम लगाते हैं ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए हो तो वन एन अदर

वह तीन लैंग्वेज जानती है और वो चौथी की तैयारी कर रही है चौथी सीख रही है तो नाउ सी इज नोइंग और और लर्न इज 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 लर्निंग लर्निंग नोइंग हमें पता है कि सी थ्री लैंग्वेज नाउ शी इज लर्निंग अ फोर्थ ऑप्शन क्या होगा वी बिफोर ही डैश द स्टेशन द ट्रेन हमें पता है Before he reached that station, the train left. Before he had reached that station, the train had left. Reached had left reaches left. तो हमें बताया तो इसकी कंडीशन क्या होती है? Before present before he reached the station, the train had left. यानी पहले past indefinite आता है, फिर उसके बाद past perfect आता है। इसका आंसर क्या होगा रीज्ड एंड हेड लेफ्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वेन ही वेन ही डैश द रूम हिज सन इन हिज चेयर वेन ही वॉज एंटर्ड द रूम हिज सन स्लेप्ट इन हिज चेयर वेन ही एंटर्ड द रूम हिज सन वॉज स्लीपिंग इन हिज चेयर वेन ही वॉज एंटरिंग हिलैप्टन दिस इन हिस्सर वेन ही इसका आंसर क्या होगा जब वह रूम में पहुंचा तो उसका बेटा क्या कर रहा था सो रहा था तो इसका आंसर क्या होगा अलग ही दिख रहा है वेन ही एंटर द रूम हि वॉज स्लीपिंग तो इसका आंसर क्या होगा ये क्वेश्चन नंब है फाइंड आउट द एर इन देंटेंस गिवेन वन हैज टू डू हिज डूटी तो हमें पता है वन के साथ क्या आता है वंस डूटी तो क्या गलत होगा सी थर्टीन का क्या होगा सी पीपल बिलीव डैट द गॉड इज ओमनी प्रजेंट पीपल बिलीव डैट द गॉड इज ओमनी प्रजेंट तो इसमें क्या गलती होगी द गॉड द गॉड अपने आप में गलत है people believe that God is omnipresent. God is omnipresent. Dog is a faithful animal. Dog is a faithful animal. तो हम बताएंगे जब भी कुत्ते की बात हो रही हो कुत्ते की पूरी प्रजाति की बात हो रही हो तो हम बोलेंगे द डॉग द डॉग इज फेथफुल एनिमल ये गलत होगा इसमें पहले में मैन इज मोर्टल मैन इज मॉर्टल तो हमें पता है कभी भी मैन के साथ मैन अपने आप में पूरी एक प्रजाति को शो करता है इसलिए मैन के साथ दा नहीं लगाते हैं तो अपने आप में नो एरर सही है द प्लेटिनम इज अ प्रीसियस मेटल द प्लेटिनम इज अ प्रीसियस मेटल तो अगर हम प्लेटिनम इज अ प्रीसियस मेटल की बात करें तो किसी भी किसी भी पदार्थ सूचक शब्द के आगे हम दा नहीं लगाते हैं तो द्लेटिनम अपने आप में गलत है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अट्ठारह है

After. you should aim डैस a first class. You should aim aim at a first class. Aim in first. Aim in a first class. Aim for a first class. Aim with a first class. तो जब भी हम ऐसी बात करते हैं जब भी हम किसी में सब्जेक्ट की बात करते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट में टॉप होना चाहिए या इस सब्जेक्ट में टॉप करना चाहिए तो हम ऐट लगाते हैं उसी तरह क्लास में डोंट वी एंग्री टू मी एट मी विद मी फॉर मी डोंट एंग्री विद मी आपने सुना होगा डोंट एंग्री विद मी डोंग्री विद मी डोंट बी एंग्री टू विद मी द टीचर वॉज एंग्रीज बिहेवियर विदेवियर एट हिज बिहेवियर टू हिज बिहेवियर इन हिस्स बिहेवियर टीचर उसके बिहेवियर पर क्या था गुस्सा था तो उसके बिहेवियर पर तो क्या बोलेंगे एट हिज बिहेवियर एट इज आई वुड रेड अ कप ऑफ टी जहां भी आई वुड रेडर आई वुदर लाइक टी आई वुदर टू लाइक अ कप ऑफ टी आई वुदर है कप ऑफ टी या लाइक कप ऑफ टी कहीं भी जब हम बताते हैं आई वुड रेड अ तो वुड रेदर की बात चल रही है वुड रेदर में क्या आएगा वुड रेदर में आएगा आपका आई वु रेडर लाइक अ कप ऑफ टी लाइक अ कप ऑफ टी आई वुड रेदर यू होम नाउ आई वुड रेडर यू होम नाउ यू गो होम नाउ टू गो होम नाउ वेंट होम नाउ हैज होम नाउ आई वुड रेदर यू आई वुड रेदर यू तो इसका आंसर क्या होगा आई वुड रेदर यू तो इसमें क्या यूज करेंगे हम प्रेजेंट इन डेफिनेट टाइम आई वुड लेदर यू यू वेंट होम नाउ यू वेंट होम नाउ आगे चलते हैं आई एम नॉट नॉटम्ड टू डेस पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ टू स्टेंज योर आई एम नॉट गिविंग आई एम नॉट आ रहा है एम नॉट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ वर्वी भी कौन सी आएगी कंटिन्यूस वाली आएगी तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है तो आई एम नॉट एक्स्टिड टू गिविंग पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ टू स्ट्रेंजर ही इज एक्स्टमड ही इज एक्सटम्ड टू डैश हर वॉट ही थिंक्स प्रेजेंट इन प्रेजेंट कंटिन्यूस आ रहा है इज आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा थर्टी का ही इज एक्स्टमड टू टेलिंग हर वॉट ही थिंक्स डेट सोफा नीड्स डेट सोफा नीड्स टू क्लीन अगेन क्लीनिंग अगेन क्लीन अगेन हैड क्लीनड अगेन डेट सोफा नीड्स नीड्स आ रहा है तो प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात चल रही है प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात चल रही है तो हम लगाएंगे डेट सोफा नीड्स क्लीनिंग नीड्स क्लीनिंग अब इसमें कैसे क्लीनिंग आ गया ये नीड्स अपने आप में फुल नीड्स अपने आप में नीड्स अपने आप में कंटिन्यूस होता है, वो होता है सिंगुलर होता है नीड्स बट यहां पे जो नीड्स यूज हो रहा है सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है फिर भी क्लीनिंग आ रहा है कैसे आ रहा है डेट सोफा नीड्स क्लीनिंग अगेन उस सेफे को जरूरत है किसकी दोबारा सफाई की दर्गलर डैश बिफोर द पुलिस अराइव्ड एस्केप बिफोर द पुलिस अराइव्ड हैव escaped बिफोर द पुलिस arrived. हैड escaped बिफोर द पुलिस arrived. क्वेश्चन नंबर थर्टी वन आपको कमेंट में बताना है क्यों आया यहाँ पे तो इसमें आएगा आंसर आपका हैड had एस्केप्ड escaped वर्गलर had escaped. the पुलिस arrived. स्लो एंड स्टीडी स्लो एंड स्टीडी सभी ने कहा सुनी होगी स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस इज विनिंग द रेस विन द रेस आर विनिंग रेस तो ये कहावत है स्लो एंड एंडी विंस द रेस स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एंड स्टीस द रेस्ट ही वेरी क्विकली वेन आई मीट हिम हिमे जब आप उसे ये को मिले तो वो बहुत ज्यादा तेज क्या कर रहा था भाग रहा था तेज भाग रहा था तेज भागता था, भाग था तेज भाग रहा था तो ही वॉज वॉकिंग वेरी क्विकली वेन आई मीट हिम ये यू विल पास यूर एग्जामिनेशन इफ यू यू विल पास योर एग्जामिनेशन इफ यू वर्क हार्ड है इंडेफिनेट आता है तो फ्यूचर इंडेफिनेट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट किसमें होगा इसमें प्रेजेंट इनडेफिनेट होगा सी में इफ यू वर्क हार्ड इफ यू वर्क हार्ड आई डैस हियर फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर मैं यहाँ पे हूँ आधे घंटे से आई एम वेटिंग हीयर फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर जब भी टाइम की बात चलती है वॉज वेटिंग हैविन वेटिंग या वेटेड तो, तो इसका क्या होगा जब भी टाइम की बात चलती है वो भी आधे घंटे से वो आपका वेट कर रहा है तो वो क्या बोलेगा आई हैव विन वेटिंग हीयर फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर आई हैविन वेटिंग हीयर फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर कुछ सिनोनियम्स हैं वीक वीक का स्नोनियम्स क्या होगा वीक का मीन्स ही होता है वीक फीवल स्ट्रॉन्ग फर्म ऑप्शीनेट वीक का मतलब होता है कमजोर तो इसका क्या होगा फीवल 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 मीन्स क्या होता है कमजोर होली 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 का जो सिनोनियम्स होगा वो क्या होगा फेमस होगा सेक्रेड होगा वर्शिप होगा प्रे होगा तो होली होली त्यौहार होता है एक होली जैसे होली फेस्टिवल्स होते हैं होली बट यहाँ पे होली जो है होली मीन्स क्या होता है फेमस होता है सेक्रेड होता है वर्शिप होता है प्रे होता है तो होली का मतलब होता है शक्रेड शेड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड सेपरेट सेपरेट की स्पेलिंग क्या होती सेपरेट की स्पेलिंग क्या होती है एस सी पी ए आर ए टी ई सेपरेट विच ऑफ़ द फॉलोइंग वर्ड इज़ रॉन्गली स्पेल्ड अब इसमें तीन सही होंगे एक गलत होगा फॉर्मली फॉर्मेट फॉर्ज फॉरफिट तो फॉर्मली 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 बिल्कुल गलत लिखा हुआ है फॉर्मेट बिल्कुल सही है फॉरज सही है फॉरफिट सही है तो इसका आंसर क्या होगा फॉर्मली गलत है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फॉर्मली कैसे लिखा जाएगा हैव अ नाइस डे बाय